तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो अभी तक इसके हम लोग 11 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 12वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे पादप में जनन। याद रखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि इसे एक बड़े धैर्य के साथ लास्ट तक सुनिए। लास्ट में जो भी निष्कर्ष होता है इसका बता दिया जाता है, ठीक। तो अगर आप अच्छे से एक बार सुनते हैं तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो हो जाएगा 100%, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ा के मत पढ़ना। अपने वंश या अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6वीं के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का प्रजनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं जनन की विधियां। कक्षा 6वीं में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों का नाम बताइए और प्रत्येक के विकारों के कारण में बता सकते हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्य बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा हो तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका आलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। आलैंगिक जनन की बात करें तो पादप में बिना बीजों की ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में एक नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। आलैंगिक जनन की बात करें तो आलैंगिक जनन में नए पादप बीजों और बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। कायिक प्रबंधन, यह एक प्रकार का आलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक अंग से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या फिर कलम कहते हैं। अब कलम की को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, उसमें इसकी वृद्धि को देखिए, ठीक है। आप लोग कलम इसी से तो लगाते हैं, गुलाब इसी तरह से। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं? इसी क्रियाकलाप को जल में से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा लगाकर दोहराएं। अपने प्रेक्षणों को नोट कर सकते हैं आप लोग। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते हुए देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्तियों के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्रो है अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। एक ताजा आलू लीजिए। आवर्त के लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिकाएं या कलिकाएं दिखाई देंगी। अब छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं हम लोग। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो। उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आलू के टुकड़े को खोदकर निकालेंगे तो उसमें इस तरह से आंख दिखाई देगी, ये अंकुरित होने लगेगा। इसी प्रकार आप अदरक या हल्दी को भी उगा सकते हैं।
वायु फिल्म पत्थर चटा में पत्ती के किनारे गर्म में गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इन पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया डहेलिया। ठीक है, बायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारों पर कलिकाएं इस तरह से। कैक्टस जैसे पादप के बेबार जो मुख्य पादप से अलग विघलन हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी कि जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं मुकुलन। मुकुलन आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी कि जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिक जीव है। आइए तो हम देखते हैं कि यह जन्म आखिर कैसे कहते हैं ईस्ट। आखिर बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर उसे किसी ऐसे बात में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें एक चम्मच शक्कर डाल लें, उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। एक घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड यानी कि पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। ये आपका ईस्ट में मुकुलन द्वारा जन्म ईस्ट कोशिका विकसित हुआ मुकुल नवीन मुकुल मुकुल श्रृंखला है। आपको ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्त मुकुल या फिर कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जैसे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह विक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर आपका खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंकी गुच्छे यानी कि फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह विक्रम आपका निरंतर चलता रहता है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बीजाणु निर्माण। अध्याय एक में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तय तक जा सकते हैं। बीजाणु आलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जन्म बीजाणुओं द्वारा होता है। या आपका फर्न में बीजाणु द्वारा जन्म बीजाणु धानी। इसी तरह ये हो गया आपका कवक में बीजाणु द्वारा जन्म। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं पुंकेसर नर जनन अंग
और स्त्री के सर मदार जनन अंग होते हैं। सरसों गुड़हल पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए, इसके जनन अंगों का पृथक कीजिए, पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं। एक ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं आपके। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उन्हें आप लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का पपीता, पपीता ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों गुलाब पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प, दोनों एक ही मादा एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जाते हैं। ये आपका जनन अंग देख लीजिए, परागकोष पुतंतु पुंकेसर में है। स्त्री केसर में आपका अंडाशय हो गया, बीजांड हो गए और वर्तिका, ठीक है। बात करते हैं आगे, क्या आप पुंकेसर में परागकोष और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोष में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकार, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक भी युग्मन से युग्मनज बनता है। बात करते हैं परागकण, परागण सामान्यतः परागणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहाकर लिए जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसे विकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के बढ़ती कार्ग पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकण का परागकोष से पुष्प के वर्तिकार्ग पर स्थानांतरण आपका परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ये आपका स्वपरागण हो गया, ये परपरागण। देखिए परागकोष, आगे बात करते हैं, पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कह सकते हैं। अब बात करते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मक की युग्मक युग्मन या संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक के युग्मन का विक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। परागनलिका, ये युग्मनज निर्माण, फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग गिरकर मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने में अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, वो बीजांड से विकसित होते हैं। बीज में एक गुड़ होता है जो सुरक्षात्मक बीजांड के अंदर रहता है। कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आपका आम हो गया, सेब और संतरा। कुछ फल आपके कठोर होते हैं जैसे आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया। ये आपका बादाम है, ये आपका सेब है। बीज पिकीडन, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर पिकीडन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर जाकर गिरकर उगाएं, तो आपके विचार में इस अब परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नौ भेदों, नए उगे हुए पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के विकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। पिकीडन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है।
ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हों। सही जन और दुई फल, प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का विकीर्ण पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सही जन डोमेस्टिक और दुई फल में भी, जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आग मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा विकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में तैरते फिलवन यानी कि तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल ले सकते हैं। कुछ बीज जंतुओं द्वारा विकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कटंकी कांटेदार बीज जिनके हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। सूरजमुखी के रोजुक युक्त फल और फिर दूसरा है बीज मदार के रोम युक्त बीज, इनके आपके उदाहरण हो सकते हैं यूरेना और जेंथिया। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थिर बीज विकीर्णित हो जाते हैं। बीज उन जनक पादप से दूर जाकर कहते हैं। हिरण और बालसर के पादप में ऐसा ही होता है आपका। तो इसमें आप लोगों ने क्या जान लिया है इस अध्याय में कि आलैंगिक जनन क्या है, मुगलन क्या है, भ्रूण क्या है, विकीर्णन क्या है, निषेचन क्या है, खंडन क्या है, यौगमक क्या है, बीजांड क्या है, परागकण क्या है, लैंगिक जनन क्या है, बीजाणु क्या है, बीजाणुधानी क्या है, परागकोष क्या है, कायिक प्रणन क्या है, यौवनज क्या है, परागकण क्या है, स्त्री केसर क्या है, पुंकेसर क्या है। इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जाननी थी। ठीक है, तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? सभी जीव अपने किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, आलैंगिक और लैंगिक। आलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुगलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रबंधन होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। हम लोगों ने जीवों की नहीं देखी है। ठीक है, जैसे मनुष्य का हो गया, किसी जीव का हो गया, तो अब आगे की कक्षाओं में हम लोग देखेंगे जनन। कायिक प्रबंधन में पत्तियां तना और मूल जैसे कायिक भागों में से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादक का जनन अंग, एक लैंगिक पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नए और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नए युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोष उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का विक्रम आपका परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक आपका स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और परपरागण में आपका परागकण एक पुष्प के परागकोष से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मक का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचन अंड युग्मज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का विकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज विकरण एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के विकास, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। बीज विकीर्णन, ठीक, ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर या तो टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छे से पढ़िए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें आखिर समझाऊं क्या आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्द हैं। एक कहानी का रूप दे दिया गया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो ये आपका हो गया 12वां चैप्टर। 13वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे गति एवं समय के बारे में।